चीज़ सीखी, जैसे वाश करना और फिर कलरिंग करना बाल हेयर को, और एज के अनुसार जैसे यंग है ओल्ड है लोग जो हैं उनको मतलब कलरिंग जैसे जिसको चाहिए मतलब जो ब्लैक चाहिए या वाइटनर, तो वो हेयर का मतलब लुक कैसे आता है एज के अनुसार वो मैंने काम सीखा आज। और मैं आने वाले कल में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो अपना मलाड का ब्रांच है जो डीजे जॉनी सर के साथ मैं ज्वाइन होना चाहता हूँ, तो वो ब्रांच में मलाड में अपना स्टेशन के बगल में ही खोलने वाला हूँ, जो आपको वहाँ से स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है, 5 मिनट का रास्ता है। और आप जैसे ऑटो पकड़ते हैं तो आप बोलोगे कि मतलब मुझे जितेंद्र रोड जाना है, तो जितेंद्र रोड पर आप पहुँचते हैं तो वही उसके सामने थोड़ा एक तबेला है, तबेले के राइट साइड में ही मेरा शॉप मिलेगा जिसमें मैं वो खोलने वाला हूँ ब्रांच, और वो डीजे जॉनी सर के नाम से रहेगा। और मलाड मलाड जैसे दूर के जो कस्टमर हैं अपने बोरीवली विरार, तो उनको तकलीफ़ हो रही थी जिससे जिसके कारण मैं ये फील्ड में आया, तो मुझे मतलब काफ़ी मतलब ये एक आगे बढ़ने का भी वो हो रहा है और एक मानवता की सेवा करने की भी एक इच्छा पूरी हो रही है कि मुझे दूसरे फील्ड में ऐसा नहीं लग रहा था, जिससे मैं डीजे जॉनी सर के साथ ज्वाइन होके मुझे एक मतलब एक नई पहचान और एक नया रौनक मिलने वाला है। तो मैं डीजे जॉनी सर से मतलब यही कहना चाहता हूँ कि मैं जब तक रहूँ मैं आपके साथ रहूँगा, और आपको अगर मेरे वजह से अगर कोई तकलीफ हुई या कुछ आगे चल के मतलब प्रोसेस मेरा प्रॉपर नहीं हुआ तो मैं वैसा काम नहीं करना चाहता हूँ। मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ कि मेरे अंदर कुछ मैं अलग से लगन है कि मुझे ये काम करना है, अभी मैं वो फोकस एक ही चीज़ पे डाल रहा हूँ, मुझे ये काम करना है तो करना है। डीजे जॉनी सर के यहाँ मैं आज से 2 साल पहले मैं मिला था, यूट्यूब पे वीडियो देखा था, वीडियो देखने के बाद मुझे कुछ कंफर्टेबल नहीं लग रहा था कि ये ऐसा होता हो, क्योंकि मैं एक बार गया था अंधेरी में, तो वहाँ पे मैंने जब गया तो ये हेयर विक के वीडियो थोड़ा तो ये मैंने ट्रांसप्लांट कराया था और उन्होंने उनसे भी बात भी किया था कि मैं ट्रांसप्लांट कराया हूँ, और बट मेरे को कुछ रिजल्ट नहीं मिला, डॉक्टर ने मेरे को बोला कि 1 साल के बाद इसका रिजल्ट होगा, बट 1 साल गया वो 2 साल हो गया मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिला। तो उन्होंने मतलब वो लोग वो बोले कि हेयर विक आपको लगवाना पड़ेगा, तो मेरे पास ठीक है लगा दो, तो उन्होंने पहले ये बोला कि आपको ये करना है, आपको अलग से मतलब कैश पहले जमा करना पड़ेगा, फिर वो डॉक्टर आएगा, फिर वो पेज का अलग से रेंट आपको अलग अलग मतलब अलग बहुत सारी मतलब चीज़ बताया उसने। मैंने मैंने बोला ठीक है ओके मैं नेक्स्ट टाइम आता हूँ, तो बोला नहीं आप आए तो आपको मतलब 1000 पे करना पड़ेगा क्योंकि आपने आप अचानक आए और इतना पैसा है मतलब डॉक्टर से मिले तो आपको उसका फीस पे करना पड़ेगा। मतलब ऐसा तो मैं मेरे को बहुत तकलीफ हुआ कि मैं उतना मतलब पैसे वाला तो नहीं, मैं गरीब थोड़ा मिडिल क्लास का बंदा हूँ, तो फिर मैंने पे करने को तो वहाँ पे किया, लेकिन फिर डीजे जॉनी सर के पास मैंने भी बहुत सारी वीडियो देखा जिसमें डीजे जॉनी सर का नाम लिखा है, तो मैं बोला कि ये साइड जो देखा तो कल्याण साइड आया, कल्याण साइड में सोचने लगा कि तो बहुत काफ़ी दूर है, तभी मैंने बोला कि चलो फोकस डालता हूँ क्योंकि थोड़ा आउट एरिया है कल्याण, क्या होता कम रेंज में मेरे को काम हो जाए। तो इनका जो पैकेज का प्राइस भी था तो मतलब बाकी लोग प्राइस नहीं लेते हैं जो कि डीजे 6000 से अपना प्राइस स्टार्टिंग है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैंने फिर को कॉल किया कि सर ऐसी सी बात है, तो सर बोले बेशक फोन पे ये सब बात नहीं हो सकती, आप मेरे यहाँ क्लिनिक पर आइए, वैसे 2 घंटे आप मेरे को टाइम दीजिए कि आपका काम हो जाएगा। मैं ठीक हो सर, बोला कि आपका सर फीस उसका कुछ चार्ज, बोले ये सब फीस उसका हम चार्ज नहीं लेते हैं क्योंकि हमें मानवता की सेवा करने के लिए एक वरदान मिला है जिसे हम आगे बढ़ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे फीस नहीं चाहिए, आप खाली एक बार आ जाइए, यहाँ पे कोई फीस का चार्ज नहीं है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इन्होंने पैसे के बारे में बात ही नहीं की, तो मेरे को पहले ही चीज़ इनको मेरे अंदर ये अच्छा लगा, विश्वास हो गया कि ये इंसान जो है प्रॉपर है तो बाकी लोगों से हटकर है। मेरे को फिर दिल में उमंग हो गई, मैं अपने घर वालों से भी बात किया कि उन्होंने बोला कि जाओ एक बार मिलो, तो फिर मैं इनसे आके मिला तो इनके बारे में मेरे पूरा डिटेल्स इन्होंने मुझे बताया कि ये ऐसा पेज है आपको जैसा मतलब आपको लगाना है जैसा करना है, तो मैं वो भी बहुत सारी पेज आए बहुत से ऑफर बताए इन्होंने, तो मैं बोला कि सर थोड़ा कैश का मतलब मेरा वो मैं थोड़ा जॉब करता हूँ मेरा थोड़ा घर का भी घरेलू का भी मैटर, बोलते ये सब का टेंशन बिल्कुल मतलब तुम पेज लगा लो
पैसे का टेंशन मत लो। तिन्हों ने इतना मुझे सपोर्ट किया तो मेरा उस दिन ही मतलब बोले तो असली इस आज के टाइम में तो कोई किसी का साथ नहीं देता, क्योंकि डीजे जोनी सर ने मेरा इतना साथ दिया, मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। और लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि आप इधर उधर मत भटको, आप इधर उधर मत भटको, और ये आप मत सोचो कि मुझे कल्याण है, कल्याण का ब्रांच है, उल्लासनगर भी आ चुका है, तो ऐसे ऐसे करके इनके 11 जगह ब्रांच ओपन हो चुके हैं, जो कि बनावा अब ओपन होने वाला है, जो आप दूर के कस्टमरों के लिए मैं इनका साथ देने के लिए तैयार हो गया हूँ अपना मलाड स्टेशन। तो इसलिए मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ डी जे मिश्र से कि मैं इनके साथ जब से ज्वाइन हुआ हूँ तो मुझे अलग से खुशी हुई है। और ये आपका जो मैं इस समय तो मेरा हेरबिक थोड़ा मैं निकाला हूँ, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं हेरबिक लगा के मैं यही इंटरव्यू सेम दूँगा हेरबिक लगा के दूँगा, क्योंकि थोड़ा ऑप्शन कुछ है लेवल का, इसलिए मैं अभी लगाया नहीं। तो मैं डी जे जॉनी सर को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मानवता के लिए काम कर रहे हैं ये मतलब बहुत प्रॉपर है, ये पैसों पे कभी जाते ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ लोगों को चेहरे पे एक स्माइल देने के लिए मतलब बल। और इसमें ये नहीं है कि कोई उम्र का ज़्यादा उम्र ओल्ड है या ज़्यादा यंग है, तो उसके हिसाब से भी ये लुक दे देते हैं। लुक का मतलब इनको बोले तो मेरे को तो कभी विश्वास नहीं होता कि मेरा लुक कुछ अलग होगा, मेरे को बहुत मतलब शर्म आती थी कि मैं दोस्तों के साथ जाना गाँव में जाऊँगा कैसे लोग कहेंगे ये, तो ये सब मेरे को अभी शर्मिंदा बिल्कुल महसूस नहीं कि मैं डी जे जॉनी सर के साथ ज्वाइंट हो गया। तो लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बेशक इनके पास आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे मिलो, इनको टाइम दो, और इनको कॉल करने से पहले आप फ़ोन पे ही आप बात कर लेंगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि जो सामने अस्पष्ट बात होती है और अस्पष्ट मतलब आप बात करते हैं तो उससे आपको रिजल्ट मिलता है कि सामने वाला का काम कैसा है। और इनका इनका पहला हक तो ये है कि फीस का मतलब कोई नहीं लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया हमने भी लिया था। नहीं, और इन्होंने मतलब अभी मैं अभी कमिटमेंट लिया आप कब देंगे क्या सर ने आप अभी मैं ट्रेनिंग मेरा दूसरा डे हो गया है, उन्होंने फीस के बारे में या कुछ भी मेरे से कुछ किया ही नहीं, क्योंकि ये जानते हैं कि मैं मिडिल क्लास का हूँ, इसलिए इन्होंने कुछ मतलब बात ही नहीं किया, क्योंकि मैं मतलब एक नॉर्मल जॉब करता हूँ, ज़्यादा सैलरी मेरा नहीं था, मैं इसीलिए मैं मतलब बहुत परेशान भी था कि मैं लाइफ में कैसे मतलब अपने फैमिली के साथ कैसे मतलब रहूँ, कैसे मतलब मेरा हर चीज़ रेंट पे चल रहा है, इसलिए इन्होंने मेरा हाथ थामा तू कुछ कर, तू करने के बाद तेरे को जो खुशी होगी तू मुझे दे देना, लेकिन मैं अपने से नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इसके इनके साथ काम करने के लिए मैं बेशक एक फील्ड में तैयार हो गया हूँ, और मुझे ये अब इस काम में बहुत मतलब लगाव हो गया है, और इस लगाव को मैं दावत दे के करता हूँ। डी जे जॉनी सर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरा साथ दीजिएगा सर। जी हम आपके साथ में हैं, अजय गुप्ता आप आगे बढ़ो हम आपके साथ में हैं। थैंक यू सर हमारे पास आने के लिए, आ जाओ आगे आ जाओ, एक वी हैव सॉल्यूशन, कम दाम अच्छा काम।